वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम स्वीटी। सो इन दिस वीडियो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ब्लैक साड़ी मेकअप लुक, एंड ये है डे 6 लुक। आई होप आपको ये लुक मेरा पसंद आएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं उस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनाडा की हाइड्रो मॉइस्चराइजर, एंड ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, डार्क ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। नेक्स्ट मैं प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ कलर इनसेंस की प्री मेकअप बेस, एंड ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, सो आपके पोर्स को बहुत ही अच्छे से क्लोज करता है एंड आपके फेस को बहुत ही स्मूथ करता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल इनफेलिबल फाउंडेशन, एंड मैं इसे अपने पूरे फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर के लिए मेबलिन फिट मी कंसीलर, एंड मैं अपने से अपने यूजर फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड आप मैं जितनी भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ कर रही हूँ आपको सारी की डिटेल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी प्रोडक्ट्स की। एंड मैं इसे अप्लाई कर ली हूँ, देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड आउट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपने कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एरियस की लग्जरी बनाना पाउडर, एंड गाइस मैं इसे बहुत दिन के बाद यूज़ कर रही हूँ, मैं भूल ही गई थी इसे यूज़ करना, मतलब अंदर रखा हुआ था तो मुझे मिला नहीं, तो इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये बनाना पाउडर बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही अच्छा है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, जो बिगनर है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सो इसे मैं अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, देन उसी से मैं ब्लेंड आउट भी कर रही हूँ। मैं ब्रश की हेल्प से सबको अच्छे से, जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसे मैं डस्ट आउट कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ द न्यूड पैलेट मेबलिन की, एंड इससे मैं ग्रे शेड लेके इसमें से अपने आईब्रो को फील कर रही हूँ। सो इसे इस ग्रे शेड से मैं बहुत बार अपने आईब्रो को फील की हूँ, मुझे बहुत पसंद है एंड बहुत ही नेचुरल लुक देता है आईब्रो को। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ द जैकलिन हीट पैलेट मॉर्फी की, एंड इसमें से मैं ये ब्राउन शेड लेके ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ, ऑरेंज ब्राउन शेड है ये। सो इसे मैं अपने क्रीज एरिया के ऊपर से ब्लेंड कर रही हूँ, एंड देन मैं सेम पैलेट से ब्लैक शेड लेके मैं अपने आईलिड पे से अप्लाई कर रही हूँ, अपने क्रीज एरिया तक नहीं जाऊंगी। एंड गाइस यहाँ पे फॉल आउट हो रहा था आई शेडो का, सो इसलिए मैं यहाँ पे सेम बनाना पाउडर अप्लाई कर ली, जो भी फॉल आउट होगा आई शेडो तो वो मैं बाद में डस्ट आउट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे ब्लैक शेड लेके अपने आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ, एंड मैं क्रीज तक नहीं जाऊँगी, क्रीज के नीचे तक रखूँगी, सो नीचे तक ही रहेगा। सो देन मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सबको ब्लेंड आउट कर दूंगी। सो ये है बहुत ही इजी ब्लैक स्मोकी आई, तो बहुत ही इजी है एंड बिगनर बहुत ही आराम से ये क्रिएट कर सकती है, अच्छा भी लगता है। देन मैं सेम जो ट्रांजिशन शेड अप्लाई की थी उसमें अपने लोअर लैसेस पे भी स्मज कर ली हूँ, देन मैं ब्लैक शेड को भी हल्का हल्का स्मज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ पर्पल की ये काजल है, एंड इसे मैं अपने लोअर एंड अपर वाटर लाइन पे इसे अप्लाई करूंगी, देन मैं एक स्मजर ब्रश की हेल्प से इसको स्मज भी कर लूंगी स्मोकी लुक देने के लिए। तो ये बहुत ही इजी स्मोकी आई लुक है, सो बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये लुक। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार की जूम एंड बूस्ट मस्कारा, देन मैं फॉल्स लैसेस भी अप्लाई कर रही हूँ ऑफ कैमरा। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की मास्टर कंटूरिंग पैलेट, एंड इसमें से मैं कंटूरिंग शेड लेके अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ, अपने यूजर प्लेस पे कंटूर कर रही हूँ, अपने चिक पे, जॉ लाइन पे, फोरहेड पे, एंड मैं अपने नोज को भी कंटूर करूँगी। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट से ब्लश यूज़ कर रही हूँ, एंड ये इस ब्लैक पे ये पिंक कलर बहुत ही अच्छे से जाएगा ब्लश, तो इसलिए मैं इस अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर, एंड इसे मैं अपने यूजर प्लेस पे अप्लाई कर लूँगी,
एंड ये हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ गाइस, ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर ले रही हूँ, ब्राउ बोन को भी मैं सेम हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ। देन अपने फेस को सेट करने के लिए यूज कर रही हूँ लॉरियल के इनफेलिबल सेटिंग स्प्रे, एंड लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक है गिव मी मोका, एंड मैं न्यूड पहले अप्लाई की, देन मुझे उतना साड़ी पे न्यूड कलर समझ में नहीं आ रहा था, तो पहले मैं आप ये भी न्यूड कलर भी रख सकते हो, देन मैं यूज़ की हूँ उसके ऊपर रेड लिपस्टिक, उसके ऊपर ही मैं अप्लाई की हूँ, सो इस टाइप की कलर आई है एंड बहुत ही। सो दिस इज द फाइनल लुक, आई होप आपको ये लुक मेरा पसंद आएगा। सो अगर आपको लुक पसंद आए ना आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू लुक के साथ, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।